हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग किचन बाय दीपा निगम में आपका स्वागत है। आज हमारी किचन में बन रहे हैं गरम गरम समोसे। आज मैं आपके साथ समोसे बनाने की सारी टिप्स शेयर करूंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गर्मा गर्म समोसे बनाना। समोसे के लिए मैंने 2 कटोरी मैदा ली है। इसमें मैं 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 4 बड़ी चम्मच घी डाल रही हूँ। ये लगभग 1/2 कटोरी है, आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। घी से समोसे बहुत खस्ते बनते हैं, अगर आप रिफाइंड लेते हैं तो समोसे क्रिस्पी बनते हैं। घी डालने के बाद हथेली के बीच में आटे को मसल मसल कर अच्छी तरह मिलाना है। देखिए 2 मिनट बाद जब आटे को मिलाते मिलाते ऐसे गोला सा बनने लगे तो इसका मतलब है कि हमारा मोयन अर्थात घी आटे में ठीक है। अगर आपका इस तरह गोला ना बने तो आप थोड़ा सा घी और मिला लीजिए। अब हम आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँथेंगे। समोसे का आटा थोड़ा सख्त ही गूंथा जाता है, पर ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आटा सख्त होने से हमारे समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। अब हमारा आटा गूंथ चुका है, अब हम इसे 20-25 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। अब हम समोसे की फिलिंग बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 मीडियम साइज़ आलू। इन्हें मैंने हाथों से ही रफली मैश किया है, आपको भी इन्हें मैशर से मैश नहीं करना है। समोसे में आलू थोड़े से रफली ही मैश किए जाते हैं। और हम लेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा कटा हरा धनिया, यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, ये हैं 2 सूखी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 5-6 काली मिर्च और मोटी सौंफ। इन चारों चीज़ों को मैंने दरदरा पीस लिया है। ये है नमक 1 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला, इन सबको मिला लेंगे। अब हम फिलिंग बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर गरम करेंगे और खड़े मसालों का पाउडर जो हमने बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पर भूनने के बाद अब हम इसमें मैश करे हुए आलू डालेंगे और आलूओं को अच्छी तरह चलाएंगे। अब हम इसमें नमक वाला मसालों का पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, इसे मिक्स करेंगे। आलूओं को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि आलूओं में से मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। अगर आलूओं में मॉइस्चर होगा तो हमारे समोसे अंदर से नरम हो जाएंगे और वो खस्तेदार समोसे नहीं बनेंगे। बस अब मैं इसमें हरा धनिया डाल करके मिक्स करूँगी। चलिए अब हम अपना आटा भी देख लेते हैं। हमारा आटा भी सेट हो चुका है, मैं इसे थोड़ी देर गूँथ रही हूँ। देखिए हमारा आटा ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा मुलायम है, समोसे का डो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब हम छोटी लोई लेकर इसे बेलेंगे। हमें इसे बहुत पतला या बहुत मोटा नहीं बेलना है। अब बीच में से इसे कट करेंगे। देखिए इसे इस तरह तिकोना आकार देंगे। और साइड्स पर पानी लगाएंगे। अगर हम पानी नहीं लगाते हैं तो फ्राई करते समय हमारे समोसे खुल सकते हैं और उनकी फिलिंग बाहर आ सकती है। अब हम बीच में फिलिंग भरेंगे और इसे अच्छी तरह से बंद कर देंगे।
देखिए ये हमारा समोसा तैयार हो गया है। अब इसी तरह से हम अपने सारे समोसे तैयार कर लेंगे। इन समोसों को तलने के लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। देखिए हमारी गर्मा गर्म समोसे तैयार हैं। अब मैं इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ। आप इन्हें किसी भी खट्टी मीठी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। समोसे बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना है। समोसे के लिए डो बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा सख्त होने पर समोसे हार्ड हो जाते हैं और ज़्यादा नरम होने पर समोसे पर बबल्स आ जाते हैं। समोसे के लिए आलू की फिलिंग को बहुत अच्छी तरह फ्राई करना है, नहीं तो समोसे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं। समोसे को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ऐसा ना करने पर समोसे खस्तेदार नहीं बनेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।